हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा, जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम हमारा निबंध का जो श्रृंखला चल रही है उसका नेक्स्ट निबंध पढ़ेंगे। जो हमारा आज का निबंध का टॉपिक है वो है उभरती हुई महिलाएं, या हम इसको बोल सकते हैं महिला सशक्तिकरण। दोनों में से कोई भी एक टॉपिक आ गया, भले उभरती हुई महिला आ गया या आपका ये आ गया महिला सशक्तिकरण, आपको यही निबंध लिखना है जो मैं आज आपको करवा रही हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, ये जो टॉपिक है हर लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, हर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से कर लेना, मैंने बहुत अच्छे से इसको तैयार किया हुआ है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है उभरती हुई नारी शक्ति। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, ये मेरा जो निबंध का एक ग्रुप है उसका 23वां निबंध है। निबंध का ग्रुप क्या है, आपको एक बार केवल 500 रुपये देना है, इसके बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। इस ग्रुप में आपको हर वीक एक निबंध दिया जाएगा और ये जो वीक जो निबंध है आपको अगले साल का जो मेंस होगा, मुख्य परीक्षा होगी, तब तक के लिए आपका ये ग्रुप रहेगा। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। ये जो निबंध रहेगा इसी तरह हैंड रिटर्न रहेगा ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही मेरे मुख्य परीक्षा के जो नोट्स हैं उनमें भी आपको ये निबंध मिल जाएंगे। और अगर आपको केवल निबंध से जुड़ना चाहते हैं, आपको निबंध नहीं लिख पाते हैं, निबंध में आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप इस एक बार 500 रुपये जमा करके इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या हर वीक आपको एक निबंध मिलेगा और पेमेंट करने के बाद आपको 24 निबंध मिलेंगे। 24 निबंध में करंट टॉपिक भी रहेंगे, जैसे कि कोरोना है, कोरोना का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव है, महामारी है, निजता पर प्रभाव है, तो इस प्रकार के निबंध जो प्रवासी मजदूर है, करंट टॉपिक के साथ, और 24 कुल टॉपिक आपको तुरंत पेमेंट करते मिल जाएंगे। और बाद में आपको हर वीक आपको एक निबंध मिलता रहेगा, इससे आपके पास बहुत सारे निबंध का कलेक्शन हो जाएगा और हर वीक आपका एक निबंध भी तैयार होता जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये मेरा नंबर है, ये देख रहे हैं, यहाँ पर आप मुझे पेमेंट करके ये निबंध ले सकते हैं। आज की नारी जीवन और समाज के हर क्षेत्र में कुछ करिश्मा कर दिखाने की चाह रखती है। उसमें छटपटाहट है आगे बढ़ने की, वह आगे बढ़ना चाहती है। वह अपनी अथाह मेहनत और लगन से एक सशक्त इबारत लिखने के लिए बेताब है। तो आज की नारी जीवन और समाज के हर क्षेत्र में कुछ करिश्मा कर दिखाने की चाह रखती है। उसमें छटपटाहट है आगे बढ़ने की, वह अपनी अथाह मेहनत और लगन से एक सशक्त इबारत लिखने के लिए बेताब है। इसके अब हम क्या है, बीच बीच में हम कोट्स लिख लेते हैं, किसी महापुरुष के द्वारा लिखा कथन लिख लेते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो अच्छा लगने लगता है। लिखा हमने लाइनें लिखी, तुम हो तो ये घर घर लगता है, वरना इसमें डर लगता है। जिस घर में औरतें हैं वही घर घर लगता है, वरना वो घर क्या हो जाता है, एक डरावना हो जाता है। इस लाइन से ये मतलब समझ में आ रहा है कि तुम हो तो ये घर घर लगता है, वरना इसमें डर लगता है। यह सच है कि जीवन का हर क्षेत्र महिलाओं के बिना अधूरा है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक नहीं है। वह यहाँ स्त्री है जो, यह स्त्री को देवी की संज्ञा दी जाती है। भारत में स्त्री को किसकी संज्ञा दी जाती है, देवी की संज्ञा दी जाती है। यहाँ लक्ष्मी दुर्गा शक्ति के रूप में पूजा जाता है। स्त्री को देवी की संज्ञा दी जाती है और उसको किसके रूप में पूजा जाता है, लक्ष्मी दुर्गा और शक्ति के रूप में उसको पूजा जाता है। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों को ऊंचा स्थान प्राप्त था। उस युग में नारी को सभी अधिकार प्राप्त थे, उसे पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। गार्गी, मैत्रेयी इस युग की नारियाँ थीं। जिन्हों कभी भी हम निबंध लिखते हैं तो हम जो प्राचीन समय से जहाँ से हमें उसके बारे में ज्ञात हो उस वहाँ से लेके अब तक का उसका विकास क्रम लिख देते हैं। उससे क्या है, निबंध का एक जो रहता है कि एक वस्तु रूप जो होता है वो बहुत अच्छे से सामने आता है। जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर ऋषियों के पद को प्राप्त किया था, लेकिन कालांतर में महिलाओं की स्थिति में लगातार गिरावट आ गई है। नारियों को हे माने जाने लगा है, मतलब हे मतलब गलत दृष्टि से, गंदा माने जाने लगा है, गंदी दृष्टि से छोटा समझा जाने लगा है, हीन भावना से देखा जाने लगा है। मैं फिर एक कोट्स लिखते हैं। मनु के अनुसार स्त्री के लिए पति सेवा ही गुरुकुल में वास और गृह कार्य अग्निहोम है। स्त्री के लिए पति सेवा गुरुकुल है, गुरुकुल में वास की तरह है, और गृह कार्य अग्निहोम है। 19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए व्यापक प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी में स्त्री और पुरुषों के बीच गैर बराबरी को लेकर मूलभूत प्रश्न उठाए गए।
पुरुषों के समान नारी को समान कार्य के लिए समान वेतन, चिकित्सा सुविधा आदि अधिकार दिए गए। 21वीं सदी को महिला सदी के नाम से भी जाना जाता है। जिस सऊदी अरब में महिलाओं को कार चलाने पर पाबंदी, वे अब विमान उड़ा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि सऊदी अरब में महिलाओं को हमेशा भूखे में रहना पड़ता था, पर्दा था, उनको ऐसे जा नहीं सकते थे बाहर, उनका हाथ तक कोई नहीं देख सकता था। लेकिन अब ये स्थिति है कि वहाँ पे महिलाएं कार तो खा रहे हैं, अब वे विमान तक उड़ा रही हैं। क्या उड़ा रही हैं? विमान तक उड़ा रही हैं। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 39 में महिलाओं के अधिकार की बात की गई है। 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया। चूंकि हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो हम ये भी लिखेंगे कि किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण घोषित किया गया। कई मोर्चों पर महिलाओं ने दिखा दिया है कि वह किसी से कम नहीं है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। फ्रेंड्स, जो हमारा इससे पहले मैंने जो ना व्हाट्सएप ग्रुप में दिया था निबंध का टॉपिक, वो था योगा और स्वास्थ्य। जो 2021 का मेंस होने वाला है, जो 2020 का प्री होगा, उसके बाद उसके जितने भी करंट टॉपिक हमारे सिलेबस में दे दिए हैं, तो वो सभी एक एक करके आपको हर वीक इस ग्रुप में करा दिए जाएंगे। तो आपका निबंध की एक समस्या छूट जाएगी। बस आपको उन व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ना है, 500 रुपये जमा करना है, आप 2021 के मेंस तक के लिए फ्री हो जाएंगे निबंध की दृष्टि से। आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा हम कौन सी बुक ले, क्या ले, वो सब जिम्मेदारी फिर मेरी हो जाएगी। वह घर में बेटी है, बहन है, माँ है, जैसे विभिन्न रूपों में रिश्तों को बखूबी रूप से निभा रही है, और साथ ही में घर की चौखट के बाहर स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, व्यवसाय, प्रशासन में भी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भागीदारी दर्ज करा रही है। इन विभिन्न क्षेत्रों में सानिया मिर्जा, एमसी मैरी कॉम, सुमित्रा महाजन जैसी महिलाओं ने देश को मिसाल दिए। हालांकि आज की नारी महिला सशक्तिकरण की ओर अग्रसर है, लेकिन आज भी उसकी स्थिति दयनीय है। जितनी तेज़ी से वह नित रोज उपलब्धियां हासिल कर रही है, उतने ही तेज़ी से उसके खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। इसके अलावा सालों पुरानी कुर्तियां समाज में जमी हुई हैं। महिला सशक्तिकरण का सबसे अधिक प्रभाव शहरी और उच्च वर्ग की महिलाओं में देखा जाता है, जबकि निम्न वर्ग की महिलाएं अभी भी अशिक्षित और दबी और कुचली हैं। उन्हें यह तक नहीं पता है कि उनके अधिकार क्या हैं। 70% जनसंख्या गाँव में रहती है, इसलिए आवश्यक है कि गाँव की महिलाओं को भी सशक्त बनाया जाए। एक फिर हम एक क्वोट्स लिखते हैं, जितना हम अच्छे से लिखेंगे, उद्धरण लिखेंगे, कविताएं लिखेंगे, महापुरुषों के द्वारा कथन लिखेंगे, तो हमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। आज भी आदम की बेटी हंटरों की जद में है, हर गिलहरी के बदन पर धारियां होंगी जरूर। आज भी आदम की बेटी हंटरों की जद में है, हर गिलहरी के बदन पर धारियां होंगी जरूर। हमारे देश में पिछले 4 दशकों में महिला साक्षरता में काफ़ी वृद्धि हुई है। 1971 में 22% और 2011 में 64.6% वृद्धि हुई है। यह बदलाव इसलिए भी हो सका है क्योंकि लड़कियों, विशेषकर ग्रामीण और निर्धन परिवार की लड़कियों को हाशिए से निकालने के लिए मुफ्त किताबें, मुफ्त पोशाक, मध्यान्ह भोजन, छात्रावास जैसे प्रोत्साहनकारी कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कामधेनु योजना आदि इन्हें सशक्त कर रही हैं। महिला पुरुषों का भेद कम होता जा रहा है। नारी को पुरुष बनकर पुरुष के समकक्ष खड़ा नहीं होना, बल्कि पूरक शक्ति के रूप में उभरना है। क्या बोल रहे हैं कि ना सबसे मेन बात, नारी को पुरुष बनकर पुरुष के समकक्ष खड़ा नहीं होना, बल्कि पूरक शक्ति के रूप में उभरना है। नारी व पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। नारी के बिना पुरुष अधूरा है, पुरुष के बिना नारी अधूरी है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नारी के बिना पुरुष का अस्तित्व नहीं, ठीक उसी प्रकार पुरुष के अभाव में नारी का मूल्य नहीं। इसलिए पुरुष को अपना प्रतिद्वंद्वी मानना, उससे घृणा करना सशक्त कहलाना नहीं कहलाता। नारी ने धीरे धीरे खुद को जाना है। विरोध, अवरोध, तिरस्कार को नकारते हुए उसे आगे आना होगा, तभी वह समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वाह कर सकती है। नारी मुक्ति का संघर्ष लंबा है और इसे मुख्यतः स्वयं नारी ही को लड़ना है। मंजिल अभी बहुत दूर है। इस तरह समाज व अपनी संस्कृति से जुड़ी वर्तमान परिवेश की चुनौतियाँ स्वीकार करके ही महिला सृजन सफल हो रहा है। आज की उभरती नारी के लिए यह कहना उचित होगा कि कोमल है कमजोर नहीं तू,
कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, जग शक्ति का नाम ही नारी है, जग तो जीवन है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। इन कविताओं के साथ हम अपने निबंध का एंड करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये निबंध का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही मुझे 6260190944 पर व्हाट्सअप करें, जिसकी लिंक आपको पूरे व्हाट्सअप ग्रुप की डिटेल में भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और ये को ज्वाइन करके आपको अगले साल के मेंस तक के लिए आप निबंध से फ्री हो जाएंगे। हर वीक आपको यहाँ एक निबंध मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।